लाख का जाएगा इनाम, 1 लाख रुपए का इनाम रहेगा। साहब क्या हाल है? बहुत अच्छा। अरे ढंग से कर तेज। ये भी था ऐसे ऐसे अच्छा लड़ा थे, चल 1 2 3 क्या करते हैं। ओ यस टिकटॉकर बन गया मैं अब। मिशन सक्सेसफुल। क्या हाल है भाई? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यार शूट कर रहे हैं यार। यार तू मेरा कैमरा ले जाएगी मेरे से दूर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का व्लॉग हम करने वाले हैं गोप्रो से अपने शूट। अरे यार ये बाल लंबे होने का ये नुकसान है मेरे, एक तो सिल्की बाल है ना, तो देखो आंख पे ऐसा आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने गोवा से आने के बाद गोप्रो रख दिया था वो संभाल के, कि ये इसको थोड़ा सा जब ट्रिप वगैरह पे कहीं जाया करूंगा तभी यूज किया करूंगा। लेकिन अभी निकाला तो मैंने देखा इसके जो स्टैंड है या गोप्रो के जो मतलब ये बैटरी जहाँ लगती है हर जगह वो नमक भरा पड़ा था, मतलब नमक ही था ना, समुद्र का जैसे पानी था तो नमक सफेद हुआ पड़ा सारा। और इसके जो बैटरी खोलते हैं वो सब ढक्कन वक्कन सब लॉक हुए पड़े। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, फिर बाद में ध्यान आया कि ओ वो था इसका जो स्टैंड भी है, जो ये मतलब स्टैंड नहीं क्या बोलते स्टिक जो होती है ये, अब तो खुल रही है जब नहीं खुल रही थी। इससे अब आप पूरा वाइड व्यू भी देख सकते हो और क्लोज भी देख सकते हो। ऑल्दो आज धूप निकली हुई है लेकिन सुबह धुंध थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल धूप निकली हुई है पर फिर भी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, बेफालतू में बीमार पड़ जाऊँगा। गाना आने वाला है, गाने का कैसे एनर्जी चाहिए होगी वो कहाँ से लाऊँगा। ये 100K का मैंने अभी तक हटवाया नहीं है, मतलब मम्मी कह रही थी हटा दो उसे, मैंने कहा मम्मी इसके साथ एक फोटो खिंचवाऊंगा उसके बाद, क्योंकि मैंने ऐसी फोटोज़ देखी हैं बस कभी खिंचवाई नहीं। मेरे को तो यही ना पता था कि ये गुब्बारे मिलते कहाँ हैं, मैं सोचा करता कि ये मुंबई वाले जो मतलब वो डालते हैं ना क्या नाम है टिकटॉक वाले, तो मेरे को लगा करता कि मुंबई में ही मिलते हैं, बस यहाँ मिलते ही ना, लेकिन मिलते हैं। एक बार जतिन आ जाए फिर उससे फोटो खिंचवाऊंगा इसमें बढ़िया सी, ऐसे 100 के हाथ में। अरे तो आएंगे भी ना हाथ में, मतलब कोशिश करूँगा खिंचवाने की, अगर खिंचगी तो इंस्टाग्राम पर देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में, ना खींची तो कोई बात ही ना है। लास्ट व्लॉग में हमने 1 घंटे में जो 2000 कमेंट मांगे थे वो बिल्कुल 59.59 सेकंड, मतलब 59 मिनट 59 सेकंड ऐसे करके 2000 कमेंट पूरे हुए। पता नहीं क्या घड़ी देख के बैठे थे सब, बिल्कुल टाइम पे टारगेट पूरा करवाया, ऐसा कि लह कर दिए। मेरे साइड से भी काम कंप्लीट हो चुका है, जो लोगो कह रहा हूँ लोगो भी मैंने बनवा लिया, पोस्टर के लिए भी फोटो भेज दी। अब बस गाने का पूछना है मेरे को, आज शाम को क्लियर हो जाएगा कि कब तक मिलेगा, कल या परसों जैसे भी, मतलब आज एक बार क्लियर हो जाए फिर उसके बाद मैं अगले व्लॉग में या इसी व्लॉग में, अगर आज शाम तक ये व्लॉग जैसे भी होगा जल्दी कंफर्म हो गया तो मैं आज ही इस व्लॉग में बता दूंगा, नहीं तो अगले व्लॉग में कि कब आएगा डेट बता दूंगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा। मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं अपने जैसे मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं उन्हें गाना बहुत पसंद आएगा, बहुत सही मतलब फील। मैं थोड़ा वैसे बदमाशी वाली में गुंडागर्दी, अब हरियाणा का है तो थोड़ा सा वो होगा ना वो वाला टच, तो समझ रहे हो ना तुम, तो उस टाइप का है कि तुम्हें दिल खुश हो जाएगा मतलब तुम्हारा गाना सुन के। और अगर तुम वीडियो देख लोगे उसकी, जब वीडियो बनाऊंगा भाई साहब उसमें तो मतलब जो मैंने वीडियो सोच रखी है बड़ी गजब लाजवाब। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ कुछ कपड़े लेने, जैसा कि आपने कल वाली मेरी वीडियो में देखा होगा मैं सैंडो में जिसमें एक्सरसाइज कर रहा था पता नहीं क्या ही बोल दिया, तो उसमें बहुत सही वो लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ नई सैंडो ले आई जाए जिम के लिए। अब थोड़ी हवाबाजी तो नहीं करता मैं, बहुत सीधा साधा सा बाल लगूँ, पर हाँ उसमें सही लगता है, मतलब उसमें खुद को भी फील आती है ना करने में एक्सरसाइज, तो मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ, अगर कोई पसंद आई तो देखूँगा, नहीं तो फिर टी शर्ट ही ले आऊँगा पूरी बाजू की, जिसमें थोड़ा ढक के तरीके से यहाँ तक कपड़े पहन के फिर एक्सरसाइज करूँ। तो अभी निकलता हूँ फिर देखता हूँ। पटियाला को उसके चहनी वाले शमशान घाट वाले ऑफिस से उठाने के लिए हम आ गए हैं और पटियाला भी आ गए हैं। आज सुबह 14 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ गुड़गांव में और मेरा मन कर रहा स्विमिंग पूल चैलेंज का, देखते इसका रिएक्शन कैसा रहेगा। भाई मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग पूल चैलेंज कर देते हैं अभी करेगा। मेरी तो अभी फटी पड़ी है, ठंड है बहुत भयंकर, माँ कसम अगर तुम मैं और मैं नहा के ठंडे पानी से आया हूँ, इतना टाइम ना था कि पानी भी गर्म कर लूं, तो भाई मेरे लिए तो वैसा कर लिया करते, जिद कर ही ली तो अभी कर ले वैसा, अभी ना अभी नहीं यार, अभी थोड़ा सा उसके बाद पहले गाना निकाल देते हैं, गाना निकालने के बाद और यार ठंड ठंड तो आगे आगे बढ़ेगी, कम तो होनी ना है, जितनी जल्दी हो जाए वो ठीक है। मतलब 2-3 दिन में गाना निकाल दूं उसके बाद स्विमिंग पूल चैलेंज करते हैं, ठीक है। कौन कौन करना चाहता है आप लोगों में से, आप कमेंट करके बता सकते हो उसमें, और उसमें उसका क्या रहेगा सीन, उसमें रखा जाएगा इनाम, 1 लाख रुपए का इनाम रहेगा। यो जैकेट पहन का आ तू, ठंड लगेगी फट जाएगी।
हवा है क्या बाहर ज्यादा? अरे मेरे को बाहर का पता नहीं चल रहा है, तो घर था या अंदर था या फिर मतलब घर था या फिर जाना था तुझे? अब तो एक बार कपड़े लेने चल रहे हैं, थोड़ी सैंडो वैंडो लाऊंगा टाइट टाइट सी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 1,00,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा 24 आवर्स इन पूल, जिसमें कि 2-3 लड़के 2-3 लड़कियां लेंगे, मतलब ज्यादा ना 10 लोग से ज्यादा नहीं करेंगे, 10 से कम ही करेंगे, लेकिन कौन कौन होंगे वो आपको पता चलेगा तभी। मेरा खोपड़ा तो अभी जकड़ा गया। स्विमिंग पूल के नाम से ठंड लग रही है, जो 24 घंटे रुक जाएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम। पानी से ना काए भाई, इसे ठंडे पानी से नहाने का दुख हो रहा है, तो ठंडे पानी में रहने में कितना मजा आएगा दोस्त है मेरे, खास मेरे सगे दोस्त है, वो भी कह रहे थे, मेरे घर के भी कह रहे थे, मतलब मम्मी भी कह रही थी कुछ भी हो सके हमें घर से बाहर भी निकाला जा सकता है, ऐसे मत करना तुम ये वो, मतलब जान, मतलब जान तो नहीं, जान का भी रिस्क है वैसे, तो कह रहे ना यार रिस्क कुछ भी हो सके, मतलब ठंड वंड लग जाएगी, ये डर रहे थे। तो मैंने कहा कि हम रखेंगे एक डॉक्टर साथ, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्टर, ऐसा नहीं कि नकली डॉक्टर सफेद कोट पहना के बैठा दिया यूट्यूब वीडियोस की तरह, असली डॉक्टर रखेंगे और उससे मतलब हालात वाला चेक करवाते रहेंगे, अगर किसी का लगेगा कि हालत ज्यादा खराब हो रही है उसको वहीं डिस्क्वालीफाई कर देंगे, अगर कोई जीतने के चक्कर में बाहर ना निकल रहा होगा तो। वैसे तो सबको अपनी जान पे आ रही है, कोई पानी गरम भाई ना, पानी गरम ट्रक देख कितनी तेज आ रहा, देख पानी साले कोई रोक का मारेगा बहुत। पानी गर्म करने के लिए ना स्विमिंग पूल के अंदर रोड भी घेर देंगे, ज्यादा ठंड लग रही होगी तो। करते हैं ये वाला चैलेंज करते हैं पटियाला, है ना, बढ़िया मजा आएगा, देखते हैं बनाते हैं सीन, मतलब इस व्लॉग नहीं इस गाने के बाद बनाते हैं, याद दिला देना तुम कमेंट में कि हाँ। और अब आई चैलेंज ना करा तुमने ऐसे, या इंस्टाग्राम पे भी याद दिला देना। ज्यादा सर्दियों का मौसम भी बेकार है, ज्यादा गर्मियों का भी बेकार है, मेरे को तो ठीक है यार, सर्दियों में ठीक तो है पर ज्यादा यो ठंड यो बेकार है यार, इसमें फिर कब कभी चढ़े वो गलत है। अक्टूबर का ठीक है जो लास्ट का सर है ना, नवंबर का भी ठीक है स्टार्टिंग का, जिसमें मतलब टी शर्ट भी पहन लो और रात में पंखा चला के कंबल ओढ़ के सो जाओ, वो बेस्ट है। नहीं जब हम छोटे थे ना, जब आए करते इस मार्केट में DLF S1 की, मैं आज बहुत टाइम बाद आया यार, देखना इस सजावट से देख के मेरा मन करगा कि एक सीन ले लूँ यहाँ इस पर, तो ये दुकान थी है। हाँ तो अब भाई महंगे हो गए ना, अब ये अब सारी मार्केट महंगे हो गया, यहाँ तो बहुत सामान चुराया हमने। चाय नहीं बताने का, अपना टैलेंट सब क्या आगे नहीं बताने का। ये एक दुकान है, इस पर समोसे मिले हैं, मुंह में पानी आ रहा बताते टाइम भी, समोसे और छोले, ठीक है, और उसके साथ वो जो करे ना राम लड्डू के कौन से बेसन के बोले करे ना, राम लड्डू इधर है वे मूली गेर के ऊपर। हाँ मूली वूली गेर के और हरी चटनी डालेगा भाई, वो बहुत स्वाद लगेगा, तो मैंने बहुत खाया दबा के, आज भी मन कर रहा मुंह में पानी आ रहा। विराट कोहली का घर भी बगल में है, विराट कोहली घर भी आई है, ले वे एक प्लेट जल्दी बता, चल तो ले लिया प्लेट राम लड्डू कर दिया खाने। हाँ गुलाब जामुन का क्यों नाम ले रहा तू बार बार? आ ले रहा पहले बता रहा हूँ, पनीर ब्रेड वाला है ना, ना ब्रेड पनीर वाला है ना, ना पनीर ब्रेड वाला। इसमें मूंग दाल है, सिर्फ मूंग दाल और चना दाल, वो तो हेल्दी होती है। मैं भाई बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, मैं कचौरी ले रहा हूँ। आ जा गांडे का वहाँ कचौरी सब्जी के साथ गरम गरम एकदम लट गाड़ दे। अरे अब यो गाड़े के लट तो देख, हेल्दी वैसे बता दी हमने, एक प्लेट और भी बनवा सकूँगी तो खाए ना करूँ मैं तो। हो मुंह में पानी आ गया माँ कसम। अरे यार क्या क्या खिला दिया तेना आज पटियाला, रुक जा टेस्ट करके बता देता हूँ। जब विराट कोहली यहीं तो लेकर आया ना उसका गर्मा है प्रपोज कर, राम लड्डू खुआ पहले जब आ करी उसने, जो आ करी जिम तो चलेंगे ऐसे, क्रिसमस ट्री घर होकर जाएगा जिम सीधा जाएगा, ऐसे क्रिसमस ट्री बना सकेगा तो अपने ऑफिस पे बढ़िया लग रहा देगा ना। हरे रामा हरे कृष्णा, बाहर तो ठंड है भैया, जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, कुछ ना कुछ तो लाना ही था, तो हम ले आए लोअर, मैं ले आया लेडीज लोअर ले आया, अगर मैंने बढ़िया लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पहन लेंगी। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या बनाए जा रहे हैं? चावल दाल। कहाँ गए चावल? यहाँ थे चावल दाल। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे टू, मुझे सुबह 9 बजे व्लॉग डालना था, आई नो, बट मेरी आँख ही 10 बजे खुली, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं आज थोड़ा सा लेट डाल देंगे,
इतना तो चलता है यार, कभी कभी हो जाती है ठंड ज्यादा है, तो मेरी भी गलती नहीं है, पता ही नहीं चला कब रात को सोया, लाइट वाइट सब ऑन करके ही। बट अभी अपना गाने का काम चल रहा है तो थोड़ा उसी में टाइम निकल जाता है, कब रात हो जाती है कब दिन हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिलहाल मैं दाल चावल खा के ये ब्लॉग डाल देता हूँ। आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, मजा आता है, डेली ब्लॉगिंग करने का मन करता है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वो घंटा जो आता है वो दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी नई वीडियो आएगी। तो मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, फुल फ्रैंक होके बाय बाय बाय।